हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू की, कि जब आपकी इंटरव्यू आती है तो आप लोगों को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, या वो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आपको कैसे रिप्लाई करना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं नई नई कनाडा आई थी तो मुझे बहुत अच्छी जो है वो जॉब्स के लिए इंटरव्यूज आई थी, बट मेरी पहला राउंड जो है वो क्लियर हो गया था। दूसरे राउंड में मैं हमेशा अटक जाती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि व्हाट इज रॉन्ग विद मी, और मतलब मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि जो मेरी इंटरव्यू है वो क्लियर नहीं हुई। क्योंकि मेरी तरफ से तो मैंने सब कुछ बोला, पर मेरी इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं हुई। मुझे समझ आता है जब थोड़ी समझ आई है, या बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देनी शुरू की है, या यूट्यूब पे वीडियोज देखनी शुरू की है, लोगों से बात करनी शुरू की है, तब समझ आया कि मेरी क्या गलती थी। सो आई थॉट कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। इंटरव्यू वीडियोज हैं जो कनाडा से लोग बनाते हैं इंटरव्यूज के लिए, वो सारी इंग्लिश में है। सो आई थॉट लेट स्पीक इन हिंदी और पंजाबी कि आप लोगों को भी समझ आए, क्योंकि ज्यादा लोग अप्रोच कर सकते हैं, मुझे ये लगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज अवॉइड माय बैकग्राउंड। मैं अपनी स्टडी रूम में हूँ इस टाइम पे, और थोड़ी सी क्लीनिंग रहती है इसलिए वो सारा स्टफ यहाँ पे पड़ा है। पंखे की जरूरत नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है आज, बट धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है अंदर से, पर है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं इंटरव्यू से। सो मैं जिन इंटरव्यूज की बात करने वाली हूँ, दैट इज मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर केयर, कस्टमर स्पेशलिस्ट, सेल्स, मार्केटिंग। सो मैं इन लाइक स्ट्रीम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या वो पूछते हैं और आपको कैसे रिप्लाई करना है। जो मुझे एक्सपीरियंस है वो इन्हीं स्ट्रीम्स में है, और जो मैं जॉब्स अप्लाई करती हूँ या जो मुझे इंटरव्यू कॉल्स आती हैं वो इन्हीं स्ट्रीम्स में आती है। सो मुझे इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है रेदर देन लाइक आईटी और साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली चीज जो है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सो किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इट डजंट मैटर कि वो रिसेप्शनिस्ट की है या फिर मैनेजमेंट पे मैनेजर की है, आपको दोनों इंटरव्यूज के लिए बराबर तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी इन द सेंस कि आपको प्रेजेंटेबल भी दिखना पड़ता है। अगर आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लाइक एग्जाम्पल कार की जो कंपनीज है उसमें, या फिर क्लिनिक में, या मसाज की, या कोई भी जगह पे आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए जा रहे हो, You have to look presentable. That's like a must thing. अगर आप तैयार होकर नहीं जा रहे हो, झल्ले बन के जा रहे हो, जैसे आप घर पे रहते हो, ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे कपड़ों से क्या, इंग्लिश तो मुझे बहुत अच्छी आती है ना, मैटर अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं दिख सकते हो। सो अगर आप अच्छी इंग्लिश भी बोलते हो, अगर आपके पास अच्छा रेज्यूमे भी है ना, तो वो सबसे पहले आपको देखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, कहावत है वो भी सही है। अगर वो आपको देख कर ये जज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि रिक्रूटर क्या है, जज करेगा हमको देखकर, पर वो जज जरूर करेगा हमारे कपड़ों को देखकर कि हम लोग कैसे दिखते हैं, और जिस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि हम लोग किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे जब हम फ्रंट लाइन पे काम करेंगे। इफ यू नॉट कैपेबल टू रिप्रेजेंट समबडीज इस ब्रांड, वो लोग आपको हायर कैसे करेंगे। आप जितनी मर्जी फराटेदार इंग्लिश बोल लो, अगर आप झल्ले बन के ट्राउजर और जस्ट स्वेटशर्ट पहनकर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, चप्पल पहन के जा रहे हो, सो दे विल नॉट हायर यू। और तैयार होकर जाओ, इट डजंट मैटर कौन से लेवल की इंटरव्यू है। दूसरी चीज, अगर आप इंडिया से एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, या फिर आप जस्ट पीआर आ रहे हो, तो अपना जो रेज्यूमे है ना, उसको हर जॉब के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनाओ। लाइक अगर आप अपनी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, अच्छी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका रेज्यूमे है उसको उसी तरीके से बनाओ। बट अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका 4 पेज का रेज्यूमे है, तो वो आप ओवर क्वालिफाइड जो हो वो गिने जाओगे। बट अगर आप वही रेज्यूमे, नॉट 4 पेजेस का, कम से कम लाइक 3 पेजेस का रेज्यूमे अच्छे से एलेबोरेट कर अपनी अचीवमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स बता रहे हो मैनेजमेंट पोजीशन के लिए, तो वहां पे वो फिट है। पर एंट्री लेवल पोजीशन के लिए 4 या 3 पेज का रेज्यूमे जो है वो आप ओवर क्वालिफाइड हो। और ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं कामलूस में एज अ स्टूडेंट जॉब ढूंढ रही थी, सो मुझे 2-3 जॉब से इसीलिए रिजेक्शन मिली, पार्ट टाइम जॉब से, बिकॉज दे थॉट कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ अकॉर्डिंग टू माई रेज्यूमे। सो वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ये चीज देखी भी है। और अगर आप इनिशियल स्टेज में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो, अगर आपने इंडिया में कोई
मैनेजमेंट पोजीशन पे काम किया है, या अगर आप किसी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में भी अगर लगा लो सीईओ हो या फाउंडर हो किसी कंपनी के, और आपने बड़ा बड़ा लिखा है कि आपने ये किया है वो किया है, और यहाँ पे अगर आप फूड चैन में अप्लाई कर रहे हो, यू डोंट नीड दैट, यू जस्ट नीड योर रेज्यूमे कि आप में बेसिक स्किल्स हो, बिहेवियर स्किल्स हो, आप काम कर सकते हो या नहीं. सो अपना रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू जॉब जो है वो एडजस्ट करो. सो दूसरी चीज, अगर आपसे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो उनको ये नहीं बताना कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, मैं छोटे से टाउन से हूँ, जैसे कि क्यू कार्ड होता है या फिर आज में जो स्पीकिंग होती है, वैसे नहीं बताना है उनको. उनको सब कुछ पता है आपके बारे में, आपका रेज्यूमे है उनके पास, वो फिर भी आपसे पूछ रहे हैं. सो आई नेवर थॉट लाइक दिस. जब मेरी इंटरव्यूज होनी शुरू की, तब मैंने सोचा कि वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं. बट इनिशियल स्टेज में जब मैं कनाडा आई थी, आई वॉज लाइक सब कुछ तो है यार रेज्यूमे में, मैं यही बताऊं इनको फिर से. बट वो आपसे ये चीज पूछ रहे हैं कि अपने बारे में कुछ और बताओ जो इस रेज्यूमे में नहीं है, या इस रेज्यूमे में है उसको समराइज कर दो. अगर आपका 2 पेज का रेज्यूमे है, उसको समराइज करके 5-6 लाइनों में खत्म करो. अपने बारे में क्या बताना चाहते हो? अपना नाम नहीं बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम नहीं बताना है, उनको आपका नाम पता है, आपको भी अपना नाम पता है. ऐसा बताओ कि मैंने क्या किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं मेरे पास, कौन सी स्किल्स हैं जो उनको हेल्प करेंगी. ये सारी चीजें जो है वो उनको उसमें बतानी है कि अपने बारे में बताओ का जवाब. चौथी चीज, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो कि जब मुझसे ये पूछेंगे कि अपने बारे में बताओ, तो मुझे क्या क्या चीजें एड ऑन करनी है. सो जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे उन लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी, उन रिक्वायरमेंट्स को जो है कीवर्ड्स को देखो, उन कीवर्ड्स को अपने फर्स्ट क्वेश्चन में एड ऑन करो. जब आप एड ऑन करोगे ना, उनको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, या फिर कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, या सेल्स के एक्सपीरियंस होना चाहिए. आप यही सारे की पॉइंट्स को जब अपने पहले क्वेश्चन में ऐड करोगे कि अपने बारे में बताओ, तो आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, आप इजीली बता सकते हो. तो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देखकर जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखकर जाओ, उसको अच्छे से देखो, उसके कीवर्ड्स देखो, उन कीवर्ड्स को अपनी ड्यूरिंग द इंटरव्यू चेक करो कि वो कहाँ कहाँ फिट हो सकते हैं. उसके बाद पांचवी चीज आती है मिशन, विजन, वैल्यूज. अगर आप किसी अच्छी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, लाइक अच्छी जॉब इंटरव्यू मींस आप मैनेजमेंट लेवल की जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, सो चेक दीज 3 थिंग्स, मिशन, विजन, वैल्यूज. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, लाइक जॉब इंटरव्यू में अपनी तरफ, सामने वाले इंसान को, सो उनको ये लगेगा, अट्रैक्ट का मीन उनको ये लगेगा जब आप उनको मेंशन करोगे कि मैंने कंपनी की जॉब, मैंने कंपनी की मिशन, विजन और वैल्यूज जो है वो स्टेटमेंट चेक की है, एंड इट्स एलेबोरेट व्हाट यू गाइज आर डूइंग एंड समथिंग लाइक दैट, कि इसको एड ऑन करो. सो जो सामने इंसान बैठा है ना, रिक्रूटर, उसको ये लगेगा कि आपने सीरियसली कंपनी के बारे में पढ़ाई की है, और आपने उसके बारे में पढ़ा है कि हम लोग असल में क्या कर रहे हो, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. सो इस तरह का इफेक्ट जो है वो उस पर पड़ेगा जब आप उन्हीं की कंपनी के बारे में कुछ चीजें ऐड ऑन करोगे अपनी इंटरव्यू में. रिक्रूटर आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा विजन, मिशन और वैल्यूज बताओ हमारी कंपनी की, क्या है, कैसे है, हम लोग क्या कर रहे हैं. आपको जो वो क्वेश्चन पूछेगा उसी के बीच में ऐड ऑन करके बताना है कि ये चीजें हैं, तो मैं इसलिए काम करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी विजन स्टेटमेंट ये है या ये है. और अगर आपको हेल्प चाहिए, आप YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो बताती हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हो इनको, आप उनको भी फॉलो करो. सीरियसली बता रही हूँ, जब आपकी जॉब इंटरव्यू है ना, YouTube पे सर्च करो, बहुत सारी इंटरव्यू के लिए जो है वो प्रिपरेशन वीडियोस हैं, रियली गुड. करते हैं आपसे जो रिक्रूटर ये पूछेगा कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, तो ये मत बोलना कि नहीं है. ऑलवेज प्रिपेयर 1 or 2 क्वेश्चन. इफ यू कैन प्रिपेयर मोर देन दैट यू कैन, बट एक तो क्वेश्चन आपको पूछना ही पड़ेगा. बेशक उससे ये पूछ लो कि आप लोग रिप्लाई कब करोगे, या ये पूछ लो कि प्रोबेशन पीरियड कितना है, या ये पूछ लो कि एक दिन कैसा होता है इस पोजीशन पे जो मैं काम करूंगा या करूंगी, तो दिन कैसा होगा मेरा, या ये पूछ लो कि इसमें ग्रोथ कितनी है, या कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उस जॉब से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड कि वो कब से काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, या बहुत सारे क्वेश्चन है. आप ये भी जो है वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बट क्वेश्चन जरूर पूछना. सो ये तो बात हो गई कि आप लोगों ने कैसे जाना है या क्या करना है. हम लोग बात करते हैं अब इंटरव्यू क्वेश्चंस की. कनाडा में मैंने मोस्टली देखा है जो इंटरव्यूज होती हैं,
मैंने जिन जिन फील्ड्स की स्टार्टिंग में बात की उनके बारे में बात कर रही हूँ, वो मोस्टली आपसे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चन मीन्स आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपको उस सिचुएशन के रिगार्डिंग में उनको जो है वो बताना पड़ेगा कि आप अगर ये सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपसे ये पूछेंगे कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और आपने क्या किया था। और अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बोलेंगे सिनेरियो देंगे, अगर आपके साथ ये हो तो आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे। सो वो इन सब चीजों से जज करते हैं। यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ पे जो कंपनीज है वो आपको सिखाने में बिलीव करती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सूटेबल कैंडिडेट हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, दे कैन इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन यू। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बट अगर आप सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो और उनको लगता है कि आप टीम वर्क नहीं कर सकते हो, आप एक टीम प्लेयर नहीं हो, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। यहाँ पे टीम वर्क बहुत मैटर करता है कि आप जो है वो लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो जब आप अपने काम पे होते हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे। सो अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट है तो ये सिखाने तक जाते हैं, इट जस्ट कि आप सीखने वाले होने चाहिए और वो सीखने वाले वो जज करते हैं उन बिहेवियर क्वेश्चंस के बेसिस पे। वो आपको सिचुएशंस ही ऐसी देंगे कि आप लोगों को वो इजीली जज कर लेंगे। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नर्वस नहीं होना है। नर्वस इसलिए नहीं होना कि नर्वस नहीं होना है क्योंकि जब आपकी पहला राउंड होता है, अगर वो फोन पे हो रहा है तो इट्स ओके। अगर आपको फ्रंट पे नहीं जाना है, आप फेस टू फेस नहीं मिल रहे हो, इट्स ओके, यू कैन डू एनीथिंग। लाइक अगर वो फोन पे है, वो आपको देख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आपको सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप डर रहे हो या नर्वस हो, वो अपने तक रखो, अपनी आवाज तक ना लेकर आओ। आपकी जो आवाज है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस यू कैन डू दिस, यू डोंट हेजिटेट, यू डोंट गेट नर्वस, यू डोंट पैनिक। सो ये सारी चीजें जो है वो आपकी आवाज में नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी आवाज कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आप सामने से तो मिल नहीं रहे हो उनको, तो वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। और नर्वस क्यों होना, ये सारी चीजें मत सोचना कि अगर मैंने ये बोल दिया तो वो क्या सोचेगा, मैंने ये कर दिया तो वो क्या सोचेगा, इसका जवाब मैंने ये दे दिया था अब मेरे साथ क्या होगा। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट रहना है, पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है कि यस आई कैन डू दिस। सो थिंक लाइक दिस, इट्स लाइक अ डू एंड डाई सिचुएशन। अगर मैंने कर ली तो दैट्स गुड, अगर मैंने नहीं की, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम जॉब, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक मोटिवेट कर रही हूँ आपको कि ये सोचो कि बस मुझे ये जॉब इंटरव्यू क्लियर करनी ही करनी है। सो अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो आई थिंक ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग आपकी जॉब इंटरव्यू के लिए। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जैसे कि अभी कोविड जो है उसकी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, सो फेस टू फेस इंटरव्यूज बहुत ज्यादा हो रही है। जब फेस टू फेस इंटरव्यूज होती है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी सामने इंसान ही बैठे हैं, आपको खा नहीं जाएंगे, आपको जज नहीं करेंगे। वही मैंने बोला ना कि अगर पास कर लोगे इंटरव्यू तो काम करोगे, अगर नहीं पास करोगे इंटरव्यू तो काम नहीं करोगे। तो वो दोबारा आपको ना मिलेंगे, ना आपसे बात करेंगे, जो हो गया वो रात गई सो बात गई। सो ऐसा सोचोगे तो आपने आपको मोटिवेट कर सकोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर इनकेस आपकी जॉब इंटरव्यू नहीं क्लियर होती, एग्जाम्पल अगर आपकी ड्रीम जॉब की इंटरव्यू क्लियर नहीं होती है, तो आपको जो है वो निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है कि हाँ मैं हिम्मत छोड़ के बैठ जाऊंगी, मेरी तो जॉब इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हुई, मैंने दो इंटरव्यूज दी है मेरी क्लियर नहीं हुई, मैंने चार इंटरव्यूज दी है मैंने क्लियर नहीं हुई। ऐसा नहीं सोचना है, ये जो हमारी लाइफ है इट्स लाइक अ स्ट्रगल। अगर आप आज नहीं कुछ मिलता आपको, है ना, चार साल बाद सही, एक साल बाद सही, दो साल बाद सही, छह महीने बाद सही, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, लाइफ में एज एग्जाम्पल किसी भी चीज की ले लो, अगर आपके पास आज नहीं है, आप अगर मेहनत करोगे तो आपके पास जरूर आएगी। सो अगर आप जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सके दो बार, तीन बार, चार बार, हिम्मत क्यों हारनी। इंसान एक धरती पे ऐसा जीव है जिसके पास दिमाग है, आई थिंक एक इंसान ही है। सो हम लोग अपने दिमाग का यूज कर दुनिया बना भी सकते हैं और उस दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं। सो अगर हम ही ऐसे जीव हैं जिसके पास दिमाग है, सो हम लोग हिम्मत क्यों हारे। जब तक हमारे पास दिमाग है, हार्डवर्क है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। 10 इंटरव्यू दें, 10 में फेल हो गए, दोबारा उठो, दोबारा दो। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 इंटरव्यूज में फेल हो गए और आने वाली इंटरव्यू
इंटरव्यूज भी आप पास नहीं कर सकते हो. इट्स जस्ट सम टाइम लक. अगर आप 200 अगर आप 200% भी डालते हो ना, समटाइम इट्स जस्ट लक. और समटाइम उनको कोई अच्छा कैंडिडेट मिल गया, मे बी आप सिर्फ हाफ नंबर से रह गए, मे बी आप एक नंबर से रह गए. और इसको दिल पे नहीं लगाना, बिकॉज ये जिंदगी का एक हिस्सा है. सक्सेस और फेलियर दोनों ही साथ में चलते हैं. एक साइड आपको सक्सेस मिल रही है तो किसी चीज में मे बी आपको फेलियर मिल रही होगा. और एक विन विन सिचुएशन नहीं होती है. समटाइम लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर्स इन योर लाइफ. सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ आई थिंक. सो अगर आप नहीं पास कर सकते, इट्स नॉट अ बिग डील. आपके साथ बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, पर वो कोशिश करते हैं. कोशिश करनी नहीं छोड़नी, और कुछ होता है हो जाए, पर कोशिश करनी नहीं छोड़नी है. सो आज की मेरी जो ये वीडियो है यहीं पर खत्म होती है. एंड होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंटरव्यूज और एनी थिंग, आप लोग नीचे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगती है. अगर आप एंड तक देखते हो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, जस्ट क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन. इट्स सो इजी, जस्ट डू इट मैन. सो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल.